आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बताइए तो सीबीआई का अंतो रिग्बो वर्सेस किपेदिल डीसी का दोनों का डिबेट आज होगा। तो आज डीसी ऑफिस में बहुत सारा मीडिया भी पहुंचा हुआ है, मीडिया भाई लोग दोस्त लोग भी पहुंचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी दोनों का जो दोनों का डिबेट शुरू होगा। तो डिबेट का जो आगे क्या क्या बात करता है आप लोग को वीडियो में दिखाएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए। चलो आज का इस वार्तालाप में आप लोगों को वेलकम करता है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख को कुछ लोगों ने बंद कॉल डिक्लेयर करके ये कोशिश करने की कोशिश किया था कि ईटानगर में जो 4-5 लाख रहते हैं उनको बंदी बनाने के लिए, उन सभी का एसेंशियल सर्विस को पूरा खत्म किया। मेडिकल में जाने वाला लोगों को पूरा बंदी बना के रख दिया, सड़क में चलने वाला लोगों को बंदी बनाया, स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई करता है सभी को बंद कर दिया, एग्जाम देने वालों को भी सब परेशान करके रख दिया। हम लोग मजबूरन इंटरनेट को भी बंद करना पड़ा ताकि जिसके कारण से उन लोगों को बहुत परेशानी हुआ। ईटानगर जो है हमारा जो सरकार बहुत कोशिश करने का बाद रेलवे स्टेशन को यहाँ लेके आया, एयरपोर्ट को लेके आया, एयरपोर्ट में आने वाला को भी बंदी बना दिया, रेलवे स्टेशन आने वाला को भी बंदी बना दिया। तो इस बंद कॉल को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। इसको लेके बंद कॉल को आप कोई तो ऑर्डर लिखा दीजिए जिसमें आपको बंद कॉल को सही है। आपने क्या लिखा था सर? मैंने ये लिखा था सर को कि सर आप जो है सब्जी बेचने वाला को क्यों पूछ रहे हो कि मैंने कोई जा रही है क्या है, तो मुझसे डिबेट कीजिए, ऐसा मैंने सर को लिखा था। तो सर मैंने कभी नहीं बोला कि ना ये बंद कॉल होना है नहीं होना है, वो मेरा ओपिनियन ही नहीं। अगर नालन बॉय है तो बंद कॉल है जी। उन लोग का डिमांड जो है बंद कॉल इसलिए किया कि नालन बॉय भी सब्जेक्ट है जी। सर बंद कॉल को आप बताइए, बंद कॉल को बताइए जी सर। उसका बाद वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन अरुणाचल के केस में आप बताइए क्या है। अरुणाचल में सर चेयरमैन तो नहीं है, तो अभी एक मेंबर है तो वो और गवर्नर मिलकर चला सकते हैं, मतलब इसके सबसे वही होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर गलत नहीं हो, गलत भी हो सकता हूँ, गलत हो सकता है मेरा ख्याल में, ऐसे नहीं होता है आपको। तो अगर सर वहाँ पे जो लिखा है वो है तो वही है, फिक्स है, गलत है। गवर्नर विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस, नहीं वो और जॉइंट कमिश्नर मिलकर परमिशन करेगा ऐसा बोले। नहीं नहीं, गवर्नर चेयरमैन होगा ना जॉइंट कमिश्नर होगा, दोनों मिल के है जॉइंट कमिश्नर, तो पता नहीं मुझे, पता नहीं है तो कैसे आप बोल सकते हैं जॉइंट कमिश्नर को। उसको जो अभी रिमेनिंग है वही होना चाहिए मेरे ख्याल से सर। रिमेनिंग मैं तो सर गवर्नमेंट ये उसके टेक्निकलिटीज को अपना पता नहीं है मुझे, तो इतना डिटेल्स में तो नहीं बता सकता मैं। नहीं आज तो आप बताने आए हैं ना, बताओ ना। डाइवर्ट करा दिया सर, मैं तो नहीं है। अभी ये जो है अभी जिस स्टेट अरुणाचल का कंडीशन में तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट हुआ है जी, हुआ है कि नहीं हुआ है? उसका बाद अपॉइंटमेंट हो गया और टेकिंग के लिए तू था, उसको कौन अपोज किया? पब्लिक ने किया। हां तो किसने अपोज किया? सर वो जो कमीशन जो उद्घाटन करने जा रहा था ना, वो कमीशन कोई उद्घाटन नहीं है, आईबीटी जो कमीशन अपॉइंट जिसको अपॉइंट किया, और मैं बोल रहा हूं, उद्घाटन नहीं है। क्या चीज का उद्घाटन?
उसका माइंड संतुलन ठीक नहीं है कुछ दिन महीने पहले इधर उधर अच्छा कौन से रिमर्स नहीं चलेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था फिर भी सर वो तो आकस्मिक नहीं फिर भी किंतु परंतु तो ये नहीं होगा काम बोल देगा सर वो एक टेस्ट था उसका ब्लूमर आ सकते हैं वो फेक हो गया था वापस आ गया वो अलग बात है वो तो उसका मेंटल कंडीशन था लेकिन दूसरा बात ये था कि मतलब मेंटल होने से आपको तो मेंटल कंडीशन खराब था वो कि उसका सर्टिफिकेट दिया था कोई बोल के दिया सर मैं उसको कंटिन्यू करता हूं दूसरा रीजन ऐसा था कि सर उसका एज जो ज्यादा हो रहा था तो वो आने से भी एक ही साल के लिए आ रहा था अच्छा तो फिर से जाइए नहीं नहीं आपका ये क्या बोलते हैं थियोरेटिकल में जाइए उसका एज क्या है 65 प्लस नहीं 60 को किया है पब्लिक सर्विस कमीशन को भी करेगा तो इसलिए हम यही बात को एक पॉजिटिव बात में आपको हम बोलेगा सोचते हैं आप हमेशा नेगेटिव में जाते हैं नहीं आप नेगेटिव में जा रहे हैं दो फैंस को देखना मछली बाजार बन गया ना अभी दोनों से एक ही क्वेश्चन करो तब जाके अच्छा होगा कोई बात नहीं सर आपका बात समझ गया दो पॉइंट्स को देखना पड़ता है वही मेन बात है तो वही मेन बात है दो पॉइंट्स को देखना दो फैंस को देखना पड़ता है तो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है नेगेटिव साइड को इसलिए मैं फोकस करूंगा कि ये चीज बार बार होते आ रही है वही इसलिए फोकस करो लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा क्लीन होगा कमीशन तो बहुत अच्छा बात है तो हम लोग वेलकम करेंगे उसको जैसे एसएसबी का एग्जांपल दिया जी सुन लिया तो इसको नहीं बात जो है हम यहाँ आप लोगों को बुलाने का कारण ये है कि हम लोग पॉजिटिव बात करना चाहिए क्योंकि जो चीज नहीं हुआ है अगर उसको बोलने से तो आप हमको करप पा सकता है हमने अपना आंखों के सामने में एसएसबी को बदलते हुए देखा है और इसी सरकार ने बदल दिया है और मैं खुद डिस्ट्रिक्ट का सुपरिंटेंडेंट हूँ पर एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है अभी हम सीसीटीवी भी लगाने जा रहे हैं अप्रूव हो गया है तो इसको एग्जाम को हम यहाँ इतना सुंदर से जब बदला हुआ लाया है तो ये एफिशिएंस भी होगा तो इसको अगर जब तक नहीं हुआ है तो अभी आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव और पार्ट को भी और इंक्लूड कर रहा है तो जो नहीं देखा है हम भी नहीं देखा है ऐसे हम बोल रहे हैं लेकिन हमने एसएसबी को देखा है तो जरूर ये एपीसीएसबी होगा और मैं आगे आपको बोल रहा है कि एज जा रहा है समय जा रहा है किसी किसी का तो इसको हमको कोशिश करना चाहिए कि बंद कॉल नहीं करके इमीडिएट हम सरकार को मदद करके पब्लिक सर्विस कमीशन को जल्दी बताना है अच्छे लोगों को पकड़ के बताना है और जल्दी बच्चा लोग को जो जो लोग अभी एज जा रहा है अब 3 साल एज बढ़ाने से भी नहीं होता है ना उसका भी पढ़ने का मूड होता है तो इसलिए हम यहाँ कोशिश करना है कि इससे तो बंद कॉल और जो भी कुछ गलती कुछ सरकार से हुआ या स्लो हो गया वो चीज को अभी हम लोग रेक्टिफाई करके आगे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाके ये हमारा समाज को हमारा जो यूथ को हम वो आगे ले जाना चाहता है इसलिए आपको हम बोलेंगे इफ यू आर ए गुड पर्सन यू कम 11 ए एम तो आप ऐसे गुड पर्सन बोलिए ना सर मैं ऐसे गुड पर्सन ही बोल रहा हूँ मैं ऐसे कॉन्शियस पर्सन बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव कॉन्शियस कंस्ट्रक्टिव बोलूंगा तो सर बंद को क्योंकि तो मेरे वो लोग देख रहे हैं जी 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 हमको नहीं आपको देख रहे हैं जी जी सर बंद को तो मेरे सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बंद को से बहुत सारा लॉसेस होते हैं वो सही बात है लेकिन जो है वो निगेटिव में फिर जाना पड़ेगा लेकिन जो है स्टार्टिंग में तो 2 पॉइंट्स आपने बोला कि निपोन अब और ये वाला तो थोड़ा मुश्किल है वो 11 रिमेनिंग में से भी सर वो 5-6 तो सॉल्व हुए नहीं एक्चुअली तो मैं आपसे नहीं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो जो आपने बोला था उसको आप सॉल्व कर दीजिए ये मुगाम या अभियान करके कुछ है उसका सॉल्व कर लीजिए और तेजीपुर और तारानगर उसके ऊपर केस नहीं करेगा बोला था 18 फरवरी में लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि तो फेवरी तो मार्च में पता चला कि उनके ऊपर एफआईआर है जबकि सीएम ने प्रॉमिस किया था कि नहीं होगा तो ये सब तो आप सॉल्व कर लीजिएगा मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ आपने जो बोला है ना ये ऐसे है कि जब ये और हमारा मीम्स भी बहुत बनता है तो उससे कुछ नहीं है पब्लिक को हम जो मेन हमारा जो बताने का वो बताना चाहिए तो इसने अभी जो आप जो बात किया है ना उसके लिए हम इनवाइट किया मैंने मेन चीज आई हैव इनवाइटेड देम और हम बात करेगा लेकिन नहीं आया तो अब तो मालूम है एक होता है सेंटर होता है एक होता है स्टेट होता है एक होता है डिस्ट्रिक्ट होता है
और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखो वहाँ लिखा होगा यदि डिस्ट्रिक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऐसे होता है। तो अभी हम यहाँ में गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा हुआ है, आई हैव इनवाइटेड देम ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आगे बात करना चाहिए। अभी जो पॉइंट्स आपने जितना छूट गया बोला है उसको भी आगे हमको बात करना चाहिए, देन हम अपॉइंटमेंट मांगेगा अथॉरिटी को और हम कन्विंस करेगा ये तो सही बात है, इसको हम देखना चाहिए। लेकिन वन कोर्ट से तो सब परेशान है ना सर, मैं उसको थोड़ा सा लाइट में बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सट्रीम में बोलेंगे, थोड़ा आपको लाइट कर देता हूँ मैं बात को। तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि ऑप्शन नहीं बच जाता है, कोई कॉल किया बोला कि सर हमको सर बोलते आते लोग क्योंकि हम टीचिंग करते हैं, तो हमको बोले कि सर क्या करेगा, कोई नहीं हम तो बंदू बुलाना पड़ेगा ऐसा बोले तो क्या करेगा लास्ट। ये तो बंद कॉल मेरे ख्याल से ये सेकेंड स्टेज है, इसके बाद बंदूक भी कोई उठा सकता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सिस्टम पे बिलीव नहीं रहेगा तो उसके लिए हमें लगता है कि गवर्नमेंट को ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा पब्लिक का ट्रस्ट को अर्न करने के लिए। और आपने बोला कि गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव में ले रहा है, तो ऐसा होने से बहुत अच्छा बात है सबके लिए। बिल्कुल अभी आपने हमको एक सीन याद आ रहा है, एक लेडी का बात कर रहा था जिसका पॉइंट में जो नहीं हुआ है, और ये याबियांग मुद्दा उसका क्या केस है, उसका वो पीडब्ल्यू डी है और उसका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में वो एक्चुअली सेलेक्ट होना चाहिए था तो लेकिन उसको नहीं किया ऐसा कुछ है उसमें गड़बड़ हो गया कुछ अभी कुछ मतलब की क्या है उसको मुझे पता नहीं अंदर क्या है थोड़ा रिसर्च करो स्टडी करके आना है, उसका ये ऐसे हम बात नहीं कर सकता है। मैं ये मीडिया लोग को भी हमेशा बोलते रहता है, अब भी हमको जो पूछने के लिए आता है ना स्टडी करके आओ ना रिसर्च करके आओ, तो ताकि आप हमको पूरा सही चीज को पब्लिक को बता सकेगा ना, तो आधा बताएगा ना तो हम लोग का उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, तो ऐसा है। तो आप कुछ बोल रहा था कि क्या बोला है नहीं, नहीं सर मेरा इस ये जो स्टार्टिंग चार्ट को डिमांड था ना, तो इसमें जो कि वो इस इशू का लीड जो डिमांड जो था ना वो नालन बॉय एंड एरेस ऑफ नावन की होता, तो वही 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 उस चीज को अभी तक गवर्नमेंट जो है कि अभी 6-7 months हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट जो कुछ किया नहीं है, तो मैडम आप 7 months आप गलत बोल रहे हैं ना, क्योंकि अभी उस दिन मैं जो ट्रेनिंग में था वो फेब्रुवरी मार्च में हम ट्रेनिंग में था, उस समय में ये जो लास्ट सीएम बात हुआ फेब्रुवरी मार्च कौन से हाँ, तो मैं ट्रेनिंग में था, हाँ बाहर में था, तो अभी ये 7 महीना कैसे हो गया मैम सर, वो एक्चुअली आपका अक्टूबर से अगस्त नहीं उसका नहीं उसका बात लास्ट मीटिंग गवर्नमेंट का साथ होता है ना, और फेब्रुवरी हाँ फेब्रुवरी 18 मतलब ये मार्च अप्रैल आपका पास क्या सबूत है, नारायण बोय हम नहीं कर सकते, नारायण बोय को करना होगा तो ये एपीसी कमीशन को बनाने का बात ही करेगा बोलता है ना, तो इसमें जो है की गवर्नमेंट जो सरासर अगर करेगा बोलने से गवर्नमेंट जो आप असेंबली में भी पास कर सकता है नारायण भोई को ओबीसी कर सकता है, आप जो गवर्नमेंट जो है कि क्या बिल किसके लिए बैठा है पब्लिक के लिए बैठा हुआ है, वो जो ना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका ड्यूटीज ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए पब्लिक के लिए होना चाहिए, तो आप उधर कर सकता है, आप उसको भी आप नालीफाइड कर रहा है कि हम नहीं करेगा, और तो आप जो सीबीआई बुलाया ईडी बुलाया ईडी को आप कहां तक मॉनिटर कर रहा है, ईडी कहां तक काम कर रहा है, आप मॉनिटर कर रहा है बोलता है कि ईडी जो है कि सीबीआई जो कि मेरा आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है हम उसको इंटरवेन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं कोई मीनिंगफुल बात नहीं, मीनिंग बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हमको आप बताए पब्लिक आप कंफ्यूज कर रहे होता आप पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, आप बताइए तो सीबीआई का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सीबीआई को किस एक्ट के अंदर में उसको बनाया गया, अगर सीबीआई